कब्र खोदने की तैयारी करो। नहीं नहीं जी मालिक। ये फूल किसके जनाजे पे बरसाए जा रहे हैं? जनाजे पर नहीं मालिक, ये माही बिटिया की आने की खुशी में बरसाए जा रहे हैं। अमाश, अमाश, अमाश। बस हवेली के पिछले लॉन में कब्र खोदने की तैयारी करो। जाओ। वो किसके लिए मालिक? उसी के लिए जो तुम्हें फूलों के लायक लगती है। ये कैसे हो सकता है मालिक? जिन हाथों ने बरसों माही को गोद में खिलाया हो, ये कैसे उसके लिए कब्र खोद सकते हैं मालिक? खबरदार, आज के बाद किसी की जुबान से मैं इनकार बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस रात तुमने हवेली की दहलीज पार की थी, उस रात तुमने 5 खून किए थे। मेरी गैरत का खून, मेरी इज्जत का खून, मेरे खानदानी वकार का खून, अपनी मां की हसरतों का खून और मेरा खून, इंसानों की दुनिया के दस्तूर की किताब में खून का बदला खून होता है। नहीं नहीं नहीं, ना चाचा, ना बापरी। बोल दिया ना, ना। जा इश्का, तेरे मर जान सारे, जो दया मार मुकावे। बुक बुक पी में खून जिगर दा, मास तिलां दा खावा। जिस पंछी ने पिंजरे में वापस आना होता है ना, उसे पिंजरा तोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि
दरवाजे के टूटने से किसी का दिल, किसी का बांध, किसी का रिश्ता और किसी का गुरूर भी टूट सकता है। हाँ, अगर नहीं टूटती तो आस होती है और वो आस मेरी है। इसे मैं कभी टूटने भी नहीं दूंगा। जी, सुना है कि माही मिल गई है। जी हाँ। चलो अच्छा हुआ, अब कोई जज्बाती फैसला मत करना, मैं कल हवेली आऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबरी। जी चाचा। तू कुछ देर आराम कर ले। खुशबख्त को फोन करके इसलिए बताया है ना तूने? वो तेरी बेटी को बचा लेगा? हमारे मुकद्दर में रसवाई लिखने वाली तेरी बेटी का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ मौत है। मौत। हवेली के पिछले लॉन में कब्र खोदने की तैयारी करो, जाओ। जिन हाथों ने बरसों माही को गोद में खिलाया हो, ये कैसे उसके लिए कब्र खोद सकते हैं मालिक?